आज मैं बहुत खुश हूँ, सब कितने बदल गए, सब तेरी संगत का ही असर है। बड़े मामा भी बदल जाएंगे, मैं बदल जाएंगे। थप्पड़ तुझे रजिस्ट्रेशन रुकवाने के लिए नहीं मारा, बल्कि 20 साल पहले रजिस्ट्रेशन हो चुकी है ये बात छुपाने के लिए मारा है, समझा? 20 साल पहले ही रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। लगता है सब असलियत जान गए हैं। सब लोग तेरी मीठी मीठी बातों में ऐसे आ गए जैसे मैग्नेट लोहे से चिपकता है, क्योंकि उन बेचारों को तो तेरी असलियत का अंदाजा ही नहीं था। मौसी, प्लीज मौसी, 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 एक, प्लीज मौसी। मौसी बोलता है 20 औरों कहीं का। मामा जी, मामा जी, आप तो कुछ कहिए ना। हे, तू हंसाता नहीं तो चलता, लेकिन तूने तो रुला दिया। छोटे मामा, मामा एक दिन, बस एक दिन प्लीज। यकीन नहीं होता तूने ऐसा किया। शेम ऑन यू। मामा जी प्लीज, प्लीज कल तक रुक जाइए मामा जी, फिर मैं इस घर पर अपनी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा, आपकी कसम खाता हूँ, प्लीज मामा जी, प्लीज। एक दिन मतलब हमें रुकवा कर हमारा मर्डर करके सारी जायदाद हड़पना चाहता है ना तू? लोगों को बेवकूफ बनाना तूने अपने बाप से बहुत अच्छी तरह सीख लिया है। बोला था ना, तू और तेरा बाप एक जैसे है। इतना दुखी क्यों हो रहा है? माफ कर दो नानी माँ। क्यों माफ कर दूं तुझे? सब लोग यहाँ 2-4 दिन के लिए मेरे साथ रुक जाए, इसलिए तो अपनी बेइज्जती करवाता रहा। क्यों माफ करूं तुझे? मेरी बेटी जिसे इंसान से ज्यादा सोने से प्यार है, उसका नेकलेस ढूंढने के लिए तूने गोबर तक में हाथ डाला, तब भी उसे समझ नहीं आई, क्या इसलिए माफ करूं तुझे? जो बेटा अपने परिवार को टाइम नहीं देता था, तूने उसे एहसास कराया कि परिवार क्या है, क्या इसलिए माफ कर दूं तुझे? और क्या क्या बोलूं बेटा तुझे, मैंने तो सिर्फ मन्नत मानी थी और तूने उस मन्नत को पूरी करने के लिए पूरे परिवार को इकट्ठा किया और मंदिर ले गया, इंसान को खुश रहने के लिए दौलत की नहीं गुजरी हुई यादों की जरूरत होती है, ऐसा ही तूने अंग्रेजी में उस दिन कहा था ना। तू सबको भले ही 20 साल पीछे ले गया हो, लेकिन अपनी इस नानी को तू 100 साल आगे ले गया बेटा, 100 साल आगे ले गया। बचपन में लुका छुपी खेलते वक्त तू मेरे आंचल में छिपकर कितना खुश होता था, उसके बदले में आज तूने मुझे सारी खुशियां दे दी बेटा। मेरे लिए इतना सब करने की क्या जरूरत थी बेटा? बचपन में जब भी स्कूल से गर्मियों की या दिवाली की छुट्टियां मिलती थी तो मैं यहीं आता था, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा खुशी मिलती थी। फिर जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया जब मैं आपके पास नहीं आ पाया। जितना प्यार मैं आपसे करता था, उतनी ही पापा की इज्जत भी। आपसे दूर रहकर 20 साल कैसे बिताए मैं ही जानता हूं, इसीलिए एक दिन इस गांव में खुशियां ढूंढते हुए मैं वापस आ गया। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है नानी माँ, और आपकी खुशी तो आपका ये परिवार ही है, इसलिए सबको एक साथ लाने के लिए मैंने ये सब किया।
पर एक बात समझ में नहीं आई, रजिस्ट्रेशन हो चुकी है ये कैसे पता चला? कुछ देर पहले सूर्य राव यहाँ आया था। नमस्ते माँ जी, मेरी बात तो सुन लीजिए, 20 साल पहले ही रजिस्ट्रेशन हो चुकी है माँ जी। गुजरने से पहले ही मालिक साहब ने मुझे ये सारे कागजात दे दिए थे माँ जी। रजिस्ट्रेशन के दौरान उन्होंने मुझसे कहा, अगर ये कागज आपके बच्चों के हाथ लग गए तो वो आपको छोड़कर चले जाएंगे, और कहा कि जब आप लोग सब मिलजुल कर रहने लगे तब आपको ये कागज दे दूं। कल मैं यहाँ पर आया था और आप लोगों को इतना खुश देखा, इसलिए आज ये कागज आपको देने चला आया। 20 साल पहले ही उन्होंने इतनी बड़ी बात सोच ली थी, और ये सब आपके नाती नहीं तो मुझसे करवाया है। ये लो बेटा। ये क्या है काका? जायदाद के कागजात। आपके नाना जी ने 20 साल पहले ही सारी जायदाद सब बच्चों में बराबर बांट दी थी। काका, घर में पता चला रजिस्ट्रेशन हो चुकी है तो वो सब फौरन निकल जाएंगे। हाँ। फिलहाल ये अपने पास रखिए। इतने दिनों तक आपको तकलीफ देता रहा, मुझे माफ कर दीजिएगा माँ जी। कोई बात नहीं सूर्या, अब मैं चलता हूँ। ठीक है। बस एक दिन और सब रुक जाते तो कितना अच्छा होता। कोई बात नहीं, जिंदगी भर की खुशी मुझे इन 20 दिनों में मिल गई है बेटा। आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। मुझे माफ कर दो नानी माँ, पर एक दिन और रुक जाते तो अच्छा होता। लेकिन क्यों बेटा? कल नाना जी की बरसी है नानी माँ। तूने मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी हैं। एक और इच्छा पूरी करेगा मेरी, बोल। मेरी चिता को आग तू ही देना। ए, 20 साल पहले रजिस्ट्रेशन हो गया था, तूने मुझे ये बात नहीं बताई तो कोई बात नहीं, पर मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ संतोष, तू 100% खरा आदमी है, 100% गोल्ड। I love you यार, हर नानी को तेरे जैसा ही नाती मिलना चाहिए मेरे भाई, तू 100% गोल्ड है। बेटी सीता, तेरे पापा A1 कॉन्ट्रैक्टर बन गए हैं, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। अरे ये क्या, हमारे खेत में खुदाई कौन कर रहा है? ए, कौन हो तुम लोग? हाँ, कौन हो? तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। कहा था ना, जिसको बोलना है जाके बोल दो, देखो मैंने किसको बोला। एमपी साहब, आप ये चौधरी एक नंबर का फ्रॉड है। अरे भाई, पहले इसकी धुलाई करो, उसके बाद ग्राउंड की खुदाई करना। साला भाई, इसी में जोइए। अरे शोर बहुत हो रहा है, थोड़ा साइलेंटली करो ने, चाकू से काम तमाम कर दो ने। Thank you.
भाई साहब अब ये हीरो कौन है? खबर नहीं जीजा। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? पता भी दो इन्हें। हेलो बका, बकुड़ा, तुम कौन हो मुझे नहीं पता, लेकिन इसने मुझे पूरे 10 करोड़ का चूना लगाया है, वो भी ब्लैक मनी। मारपीट बंद कर, नहीं तो इसको ऊपर पहुंचा दूंगा। मुझे तेरे लफड़े में नहीं पड़ना, लेकिन मामा जी पर कोई हाथ उठाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये पीके बाबूराव तेरा मामा लगता होगा, मेरा नहीं। और फिर मैं तो हार्ट पेशेंट हूं। साउंड पोल्यूशन किए बिना ही मैं इसको ऊपर भेज रहा था, लेकिन अब तुम्हारी वजह से मुझे ये गन चलानी पड़ेगी। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन विथ साइलेंसर। मोटा भाई बीच में मत आओ, हमारी बातचीत चालू है। जीजा जी, माने लागे छे राव बाबू के बहुत सारे फैंस हैं। पहले इनको खत्म करो, बाद में सबको ठिकाने लगा देंगे। अरे बाप रे, ये क्या जीजा जी, मेरा ही बैंड बजा दिया। इस ऑपरेशन के लिए मैंने बहुत धक्के खाए थे, लेकिन हर डॉक्टर ने हथियार डाल दिए। आप एक ही बार में मान गए, ये जानते हुए कि इसमें कितना बड़ा रिस्क है। मैं आपका ये कर्ज कैसे चुकाऊंगा डॉक्टर? मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया, ये मेरा फर्ज है, बस अपनी ड्यूटी निभाई है। एमपी साहब, अब आप आराम कीजिए। ये ब्लैंक चेक रख लो, जो रकम सही लगे भर देना डॉक्टर साहब, प्लीज। मैंने आपसे कहा ना एमपी साहब, मैंने अपनी ड्यूटी निभाई है बस। ओके, नमस्ते। डॉक्टर साहब आप इधर। जी एमपी साहब, ये मेरे बड़े साले हैं। सॉरी डॉक्टर साहब। राव भाई, डॉक्टर साहब की वजह से मैं आपको छोड़ रहा हूं, और वो पीछे खड़ा है वो बकुड़ा, मेरा बेटा है वो। सॉरी बेटा, ये आपके जैसा ही है, अपने लोगों को बचाने के लिए हमेशा तैयार। अने राव, आइंदा किसी के साथ ऐसा मत करना, ईमानदारी से जीना सीखो। डॉक्टर साहब थैंक यू। जी नमस्ते। बकुड़ा थैंक यू बेटा। जीजा जी, हाँ वो पैसे। अरे जो ब्लैंक चेक मैंने डॉक्टर साहब को दिया था ना, ऐसा मान ले कि उन्होंने उस पे 10 करोड़ लिख दिया। पैसा क्या है साले साहब, अभी चलो यहाँ से। मुझे माफ कर दीजिए। अरे ये क्या कह रहे हैं, हमारे बीच में ये सब बातें? मैं रोज इसे ताने देता रहा, ये सहता रहा, इस पर हाथ तक उठाया, फिर भी ये मुझे बचाने आ गया। अपनों के लिए इंसान जान भी दे सकता, ये मुझे आज पता चला। तुम दोनों बाप बेटे एक ही जैसे हो, वाकई एक जैसे हो। भाई साहब घर चलते हैं। हाँ डैडी। मैं तुझसे एक बात कहूँ तो बुरा तो नहीं मानेगी ना? आज तक आपकी किसी बात का बुरा माना है क्या? मेरी प्यारी बेटी, तुझे अब
माँ बहुत खुश है आज। बहन मुझे माफ कर दे बहन। भैया आपने मुझे जिस पर बहन कहकर पुकारा मैं उसी वक्त सब कुछ भूल गई। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है भैया। अरे बेटी जल्दी जा और फर्स्ट एड बॉक्स लेके आ। आज अगर तेरा बेटा और पति नहीं होते ना बहन तो शायद मैं भी यहाँ खड़ा ना होता। अम्मा अम्मा तुझे बुला रहा हूं। तुझे ही पुकारा अम्मा। अम्मा कैसी हो अम्मा मुझे माफ कर दो। मेरा बेटा माँ बेसन के लड्डू बचे है ना माँ? है बेटा है। माफी चाहता हूँ मैंने 20 सालों तक आपको तकलीफ दी। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो सब लोग अंदर आ जाओ। माँ माँ आपका प्यार और ममता छोड़कर हम जा नहीं सके माँ। माँ कुछ दिन और आपके पास रह सकते हैं क्या? अरे सब लोग बाहर क्यों खड़े हो चलो अंदर आ जाओ माँ आ जाओ मेरे बच्चे चलो चलो अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ बेटा। ॐ गणानान्त्वां गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमस्त्रवस्तवं वेकेट सत्यनारायण नामधेयस्य पिंड प्रदानं करिष्ये वेकेट रंगारो नामधेयस्य पिंड प्रदानं करिष्ये। ओम शांति शांति शांतिः। 20 सालों के बाद आज उनकी आत्मा को शांति मिली है। जी पंडित जी इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। सच में क्या रे बंदर आज अपनी दुकान पर क्या नहीं बोला तूने एक कान के नीचे दूंगा ना चल। नहीं बेटा इसे मत मिटा तू मेरे बच्चे को एक साथ यहाँ लेकर आया उसी खुशी की तो ये निशानी है। नानी की जिंदगी में जो खुशियाँ 20 साल पहले थम गई थी वही खुशियाँ 20 दिन में इस नाती ने अपनी नानी के आंचल में ला के रख दी। अच्छा वैसे आप लोग इस साल गर्मी की छुट्टियाँ मनाने अपनी नानी के घर जा रहे हैं कि नहीं? नहीं जा रहे थे तो ये देखने के बाद अब जरूर चाहिए। जस्ट लॉक योर एज। याद रखिए अपने घर के बाद अगर कोई दूसरा घर है जिसे आप अपना कह सकें तो वो है आपकी नानी माँ का घर।